दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आम तौर पर यह सोचा जाता है कि तीखा या मसालेदार खाना अच्छा नहीं है और इसके सेवन से पेट या सीने में जलन महसूस हो सकती है, लेकिन किचन में मौजूद हरी मिर्च न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है साथ ही इसके कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होते हैं। हरी मिर्च कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें विटामिन ए, B6, सी, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की काफ़ी मात्रा होती है। यही नहीं, इसमें बीटा कैरोटीन, क्रिप्टोक्सांथीन, लुटेइन जंक्सथीन आदि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें मौजूद हैं। वैसे तो आमतौर पर इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन हाल में हुए कई शोध इस बात का दावा करते हैं कि हरी मिर्च खाने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता कि हरी मिर्च डाइट्री फाइबर से भरपूर होती है, जो कि एक हेल्दी पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। हरी मिर्च खाने से आपको कई लाभ हो सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अपने खाने के साथ हरी मिर्च ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि ये बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करने में और शरीर में संतुलन बनाने में और मदद कर सकता है। हरी मिर्च का सेवन पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और तो और जिस चीज़ को खाते समय सलाइवा रिलीज होता है वे पदार्थ पाचन में मदद करते हैं। इस हिसाब से हरी मिर्च भी पाचन में मददगार होती है। हरी मिर्च शरीर के एक्सेस फैट को कम करने में मदद करती है और इस प्रकार से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। हरी मिर्च विटामिन सी से भरपूर होती है और आपके स्किन को हेल्दी और उसकी चमक को बरकरार रखने में मदद करती है। आप हरी मिर्च को कच्चा तलकर, भूनकर या इसके सलाद के साथ अपने खाने में एक साइड डिश के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च खाने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। पुरुषों को हरी मिर्च खानी चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा रहता है। वैज्ञानिक शोधों ने यह साबित किया है कि हरी मिर्च खाने से प्रोस्टेट कैंसर की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हरी मिर्च को मूड बूस्टर भी कहा जाता है। ये मस्तिष्क में एंडोर्फिन का संचार करती है, जिससे हमारा मूड काफी हद तक खुशनुमा रहता है। ये खाने को भी जल्दी पचा देती है, साथ ही शरीर के पाचन तंत्र में सुधार करती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, इसलिए कब्ज को भी ये दूर करती है। महिलाओं में अक्सर आयरन की कमी हो जाती है, लेकिन अगर आप हरी मिर्च खाने के साथ रोज खाएंगी तो आपकी कमी पूरी हो जाएगी। इसमें विटामिन सी भी होता है, मगर इन्हें ठंडी जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी में हरी मिर्च के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। हरी मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि संक्रमण को दूर रखते हैं। इसलिए हरी मिर्च को खाने से आपको संक्रमण के कारण होने वाले त्वचा रोग नहीं होंगे। हरी मिर्च में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जो स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो आपकी त्वचा में निखार आता है। दोस्तों इस वीडियो में हरी मिर्च कितनी गुणकारी है आपको जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसको शेयर भी करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि इस प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें और आप भी उनसे लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।